हे गाइस, दिस इज रोनोक और आज हम बात करने वाले हैं गूगल पिक्सल 3 XL के कुछ लीक्स के बारे में। यहाँ पे आपको पता होगा कि आईफोन 10 के आने के बाद काफी सारे स्मार्टफोन कंपनियां नॉच लेके आ गई है, तो इसी तरह गूगल पिक्सल 3 XL में भी आपको नॉच मिल सकती है, पिक्सल 3 में भी आपको नॉच मिल सकती है, ऐसी कुछ लीक्स निकल के आई है। तो यहाँ पे कुछ फोटोज निकल के आए, देखते हैं कौन से फोटोज है और क्या स्पेसिफिकेशन हो सकती है पिक्सल 3 XL की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि आपको यहाँ पे नॉच मिलेगी जो कि आईफोन 10 के जैसे ही आपको मिलेगी। स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.2 इंच ओलेड डिस्प्ले मिलेगी, तो ये अच्छी चीज़ है कि ओलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पे दी जा रही है और वो भी आपको फुल HD प्लस होने वाली है। अगर और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फ्रंट फेसिंग में आपको ड्यूल फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया जा रहा है, तो ये एक नई चीज़ है कि आपको फ्रंट में ड्यूल कैमरा मिलेगा और आपको ड्यूल स्पीकर भी मिल सकता है। नीचे बॉटम में आपको स्पीकर ग्रिल काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है फोटो में। बैक में बात करें तो वहाँ पे आपको सिंगल रियर कैमरा मिलेगा जो कि आपको सारे पिक्सल में मिलता है, लेकिन अभी भी पिक्सल 2 XL और पिक्सल 2 का जो कैमरा है वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है, तो यहाँ पे गूगल यही आगे लेके जा रहा है कि रियर में आपको सिंगल कैमरा देगा और जो सारे कुछ प्रोसेसिंग होगी वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि गूगल अभी भी सॉफ्टवेयर बेस्ड सारा कुछ काम कर रहा है। अगर और कुछ फोटोज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको जो रियर कैमरे और फ्लैश के बीच में आपको एक छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है, वो है लेज़र ऑटो फोकस। तो शायद आपको इसमें काफ़ी अच्छा ऑटो फोकस मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको लेज़र ऑटो फोकस का सपोर्ट मिलता है। और बात करें तो बैक में आपको ग्लास बैक मिलेगा जो कि आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अगर गूगल पिक्सल 3 XL वायरलेस चार्जिंग के साथ आया तो काफ़ी अच्छा काम करेगा ये। तो बैक में आपको ग्लास मिल जाता है। टॉप और साइड में आपको देखें तो टॉप में आपको कुछ नहीं मिलता है, साइड में आपको वॉल्यूम सॉकर्स एंड पावर बटन मिल जाता है, बॉटम में आपको USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और सिम डालने के लिए स्लॉट मिल जाता है। तो ये काफ़ी यूनिक है कि आपको नीचे बॉटम में सिम डालने के लिए मिलेगा। और अगर वेरियंट की बात करें तो यहाँ पे जो वेरियंट है वो है 4 GB रैम एंड 128 GB वाला वेरियंट, और ये आपको काम करेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 पर। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन थी गूगल पिक्सल 3 XL की। देखते हैं क्या इसमें चेंज होगा, क्या आपको ड्यूल फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा कि नहीं, वो कुछ आगे जब लॉन्च करेगा गूगल तब पता चलेगा कि क्या एक्चुअल स्पेसिफिकेशन होने वाली है गूगल पिक्सल 3 XL की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो नीचे जाके इस वीडियो को लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो और उन लोगों को भी बोलो कि नीचे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं हम कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।